हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि बताया था कि संडे को लाइव होगा, तो इस कंपोजिशन का मैं कंप्लीट वीडियो शो करने वाला हूं और मैं आपके साथ रहूंगा। और चलिए शुरू करते हैं। कंपोजिशन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और हिलस्केप जब भी आपका सवाल होंगे तब मुझसे बात कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस आपके सवाल का जवाब देने की। हाय अग्निप चौधरी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे जो ब्लू कलर मैंने यूज किया, कोबाल्ट ब्लू है और सेरुलियन ब्लू, दोनों ब्लू कलर के एक मात्रा जो है कलर का अच्छी तरह मैं अप्लाई किया हूँ। अच्छी तरह कलर को मैंने यूज किया है ताकि मेरे जो व्हाइट जो हिल्स एरिया है वो अच्छी तरह दिखे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्लाउड है, क्लाउड के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है और उसे धीरे से मर्ज करेंगे। और मर्ज करने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा इंडिगो और रेड ब्राउन ऐड किया, बट सुनने में ये इंडिगो और रेड ब्राउन बहुत ज़्यादा है बट यूज़ बहुत कम किया गया है, उस चीज़ को ध्यान रखना होगा। देखिए किस तरह से ये इंडिगो और रेड ब्राउन कलर को एकदम पानी, इसे ज़्यादा पानी के ऊपर मिक्स करके हल्का सा लगाया। हेलो अनुतमा मैम, गुड मॉर्निंग। एकदम से कट नहीं होगा, मतलब बादल के बाद जो वो आसमान एकदम से कट नहीं होगा, क्योंकि बादल धीरे धीरे मर्ज होना चाहिए। बादल का वो परिमाप थोड़ा थोड़ा कम होता ना, फिर उस हिसाब से मर्ज करना है। और बादल में से एकदम व्हाइट नहीं है, मैं देखिए यहाँ पे व्हाइट को बिल्कुल ढक दिया, क्योंकि जो मेरा जो हिल एरिया है वो काफ़ी व्हाइट है, उसे मेंटेन रखने के लिए
हम बैकग्राउंड को कवर किया। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप अभी वाराणसी है, वाराणसी के बाद नेक्स्ट होगा कुल्लू मनाली, उसी के चलते हिमालय को थोड़ा सा याद किया। तो बहुत कम सीट होगा इस बार, क्योंकि मनाली के ऊपर हम जाके जब वर्कशॉप करेंगे हमें उतना अरेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर बैठे हैं हम, और तो काफ़ी कम सीट होगा। जिनको आना है पहले ही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपना। ये जून में होगा, यहाँ तक फर्स्ट वीक में होने वाला है जून में मनाली में। और मेरा इंस्टाग्राम जो कि नीचे दिया हुआ है वो फॉलो करके रखिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। आर्टवर्क बाय आर्टिस्ट प्रिया घोष। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, ब्लू के अंदर हमने कोबाल्ट ब्लू, सेलुलियन ब्लू यूज़ किया है, और थोड़ा सा कलर का जो मात्रा है ज़्यादा रखा है, क्योंकि जो मेरा हील एरिया है वो काफ़ी लाइट है, और लाइट तभी दिखेगा जब बैकग्राउंड में डार्क होगा, तो उस हिसाब से। और यहाँ पे जो छाया बनता है जिस तरफ, वहाँ पे मैं अल्टामिनिन ब्लू को यूज़ किया। अल्टामिनिन ब्लू के अंदर थोड़ा सा रेड मिक्स है, जिसके कारण थोड़ा सा वायलेट फीलिंग है। आपका कुछ सवाल है तो जरूर कीजिएगा। वैसे आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने किया है, और फास्ट वॉश जब भी चलता है, फास्ट वॉश सेकंड वॉश तक आप पानी को ज्यादा मेंटेन करें, सूख जाएगा, हल्का होगा, कोई बात नहीं, आपको फिर दोबारा मौका मिलेगा। ये जो पेपर है आर्चिस 185 जीएसएम राप, और मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं बीच बीच में आता रहता हूँ कुछ टिप्स आपको यूं यहीं पे शेयर करने के लिए। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारे धन्यवाद देता हूँ, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर ज़रा भी आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो। और यहाँ पे जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ इंडिगो है, इंडिगो के अंदर थोड़ा सा ग्रीन स्टोन है, और ऑलरेडी मैं ब्लू यूज़ किया है उसके ऊपर, मैंने ये इंडिगो यूज़ किया, थोड़ा सा अंधेरापन आएगा। और यहाँ पे गीले, जब भी अंधेरा शेडो में, शेडो के अंदर हम किसी चीज़ को दिखाते हैं तो वेट इन वेट पे दिखाना है, ठीक है। जब भी शेडो पार्ट के अंदर, छाया के अंदर कुछ भी चीज़ें दिखाना है, घर का छाया हो सकता है, खिड़की का छाया हो सकता है, उस पार्ट में गीले गीले पे आपको कलर को अप्लाई करना है। ध्यान ये रखना है कि गीला कितना है, बहुत ज़्यादा गीला होगा जो भी आप कलर यूज़ करेंगे वो स्प्रेड हो जाएगा, तो उससे भी ध्यान रखना होगा। Oh, thank you for watching, friends. You from Mexico? Mexico, good. Thank you. Welcome. और यहाँ पे देखिए थोड़ा पानी को भी ड्राई ब्रश चला रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा कलर, और जहाँ जहाँ पानी लगा वहाँ स्प्रेड करेगा,
बहुत मज़े से ये काम होगा। इसी तरह से कुछ कुछ एरिया में किया जाएगा काम। पहले तो हमें समझना है कि रेफरेंस में क्या है और कैसे उसे निभाना है। कुछ देर तक आप रेफरेंस को अच्छी तरह फॉलो करना है, एकदम से कंपोजिशन लेते ही शुरू नहीं करने का है। तो पहले उसको जूम करो, अच्छी तरह उसके देखो चीज़ क्या है। तो जब आप अच्छी तरह उसको देखेंगे तो आपको प्लानिंग हो जाएगा। नेहा अग्रवाल, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाय नेहा जी, गुड मॉर्निंग। एंड प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, यहाँ पे देखिए, एक कलर अप्लाई के बाद मैं यहाँ पे भी जहाँ छाया बन रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा डार्क यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डार्क कलर कभी भी सूखे में यूज़ नहीं होगा। इन वाटर कलर के अंदर कभी भी नहीं होगा। जब भी डार्क कलर यूज़ होगा, आप वेट इन वेट वे यूज़ करेंगे तो ही आपका वो सॉफ्टनेस बना रहेगा। तो एक पॉइंट ये रहा आज का। तो ब्रश को कभी कभी हम इस तरह से लेठा के यूज़ करते हैं, और ताकि जो पेपर का जो टेक्सचर है वो पकड़ते है ना। ब्रश अगर सीधा होगा तो उसका जो, सॉरी, हाँ यहाँ पे भी अगर सीधा होगा उसका जो पॉइंट से लगेगा कलर, अगर हम उसे लेठा देते तो ये जो फ्लैट वाला हिस्सा यूज़ होता है शायद, हाँ ये फ्लैट वाला यूज़ होता है। तो इस तरह से हम जब लगाते हैं जो पेपर का जो हल्का हल्का टेक्सचर है वो टेक्सचर पकड़ता है। तो टेक्चर पकड़ने के कारण वहाँ पे वो जो ग्रेन दिखता है, टेक्चर क्रिएट हो जाता है। ट्वेंटी 44 मतलब 10:45 हो रहा है, रात का 10:45 बजे हो रहा है मैक्सिको में। गुड नाइट फॉर मी। ओके 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 फ्रेंड फ्रॉम मेक्सिको, फर्नांडो, गुड नाइट। ममता कुलकर्णी, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है, तकरीबन तकरीबन 300 से 350 वीडियो हो जाएंगे, तो दो चार तो आपके काम आ ही सकता है। संगीता राय, गुड मॉर्निंग सर। रविंद्र राय हेयर, ओके रविंदर यूज़ कर रहे हो, ओके 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 रविंदर भाई, गुड मॉर्निंग एंड मिलेंगे आपसे इस जल तरंग में, वाराणसी में। बहुत सारे हैं हमारे पार्टिसिपेंट, और समय को बिल्कुल हम वेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे काम सीखना है सबको, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हम वहाँ पे घूमने नहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहा है उसके साथ थोड़ा सा काम भी। ओके ओके यहाँ पे जो इस जो पार्ट में जो छाया वाला पार्ट के अंदर अल्टरमेरियन डीप, उसके बाद हमने थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू, उसके बाद हमने इंडिगो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे लेवेंडर के यूज़ किया। लेवेंडर यूज़ करने थोड़ा सा स्मोक फीलिंग आता है। ओके नेहा अग्रवाल, आदित्य, ओके आदित्य जी, ओके 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 आदित्य, ओके। अकाउंट नेम होता है ना, कुछ कुछ लिखा होता है तो समझ में नहीं आता। ओके नौशाद सर, आपका तो नाम लिखा हुआ है, थैंक यू सर फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे आपसे, अच्छा लगेगा। और ज़्यादा दिन नहीं है जल तरंग के लिए, और ये जो कंपोजिशन हम उस दिशा को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें जून में जाना है मनाली में, और ये हिमालय है, तो मनाली के चलते ये मैंने ड्राइंग किया, याद करके। तो पार्टिसिपेंट बहुत कम कम लेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा अरेंज नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। जून के महीना है तो जून के फर्स्ट वीक में काफ़ी वहाँ पे भीड़ रहता है वैसे ही, तो जिन्हें जाना है तुरंत कर लीजिएगा, हाउसफुल के लिए हम वेट नहीं करेंगे इस बार।
एक वर्कशॉप में क्या होता है, बहुत कुछ आपको सपोर्ट मिल फोर्स मिलता है। एक तो क्या आपको सभी के साथ मिल के बहुत सारी चीज़ें टेक्निक्स, हर एक आर्टिस्ट का अलग अलग व्यू पॉइंट है और बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो सब हमारे सामने हो जाता है। इंक्लूड हम भी, मैं भी सीखता हूँ बहुत कुछ आप सभी से, और हमारे जो गेस्ट आर्टिस्ट होते हैं, मास्टर आर्टिस्ट, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे देखिए, रेफरेंस में देखेंगे थोड़ा सा ब्लैक टोन में कुछ पहाड़ दिख रहा है अंदर से, बादल के अंदर से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश को पानी में भिगा के और थोड़ा सा लेटा के यूज़ किया था, ताकि कहीं कहीं पे लगे, कहीं पे ना लगे, तो जिससे पहले पानी को लगाया, फिर मैं कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, कलर धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है। और ये जो बादल है, बादल में भी जो कलर है, हमें देखना होगा कि मतलब बादल एकदम व्हाइट है या उसके अंदर कुछ कलर है। बादल बिल्कुल व्हाइट में नहीं होते, उसके अंदर कुछ ना कुछ कलर ऐड होने से ही उसके वो डायमेंशन दिखता है, थोड़ा सा यूँ फूला हुआ सा दिखता है। तो उस चीज़ को समझना है, और कभी भी आउटलाइन नहीं बनेगा बादल में, किसी चीज़ में आउटलाइन नहीं बनता है, आउटलाइन से काम नहीं होगा। ओके यहाँ पे मैक्सिमम मेरे ऑनलाइन क्लास के अंदर है, और जो लोग नहीं हैं वो देख सकते हैं ऑनलाइन क्लास, वहाँ पे आपके पेंटिंग्स को रिव्यू किया जाता है। यहाँ पे क्या, आप मेरे पेंटिंग्स देख रहे हो, और जो मेरे क्लास के अंदर रेगुलर क्लास है, वहाँ पे क्या होता है, आपके पेंटिंग का रिव्यू किया जाता है, आपके पेंटिंग में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है वो बताया जाता है, सारे कलर यूज़ करते वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। तो ऑनलाइन क्लास में, रेगुलर क्लास में हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो वो अच्छा है। और मेरे साथ मेरे दोस्त निशिकांत जी भी, उन्होंने भी बहुत सारे क्लास का फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। क्या है, बहुत सारे आर्टिस्ट है ऑनलाइन में, आप ऑनलाइन में क्या घर बैठे आप उसे वॉच कर सकते, देख सकते, सीख सकते। बस एक चीज़ होना चाहिए कि जो भी आर्टिस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह दिखे वो चीज़। इसके चलते भी मैं वीडियो बनाया था कि क्या क्या आपको सेटअप करना है वीडियो बनाने के लिए। हो सकता है इन्हीं में से कोई स्टूडेंट्स को सिखाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आपके कैमरा सही है, कि आपके जो फ़ोन है वो सही लगा हुआ है, कि स्टूडेंट को अच्छी तरह विजिबल हो। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत दूर बैठा है, वो आपको इस यहीं पे देख के थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, अगर अगर क्वालिटी आपके ठीक नहीं है, वीडियोस क्वालिटी और कैमरा टेढ़ा लगा हुआ है, किसी और एंगल से चल रहा है वीडियो, कोई मतलब नहीं उसका। तो जो आर्टिस्ट सिखा रहे हो, कोई भी बच्चों को लेकर के किसी को भी सिखा रहे हो, तो अपना सेटअप थोड़ा सही कर ले। किसी को जानने की ज़रूरत है तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा सेटअप बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। और देखिए, बातों बातों में यहाँ पे बादल के बीच में से बहुत सारे कलर मैंने यूज़ किया। एक तो मॉप कलर यूज़ किया, और उसके बाद इंडिगो, कोबाल्ट ब्लू, ये सारे कलर मैंने 1808 भी यूज़ किया। बादल का बहुत अच्छा कहर है यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्प्रेड करके वो ख़राब हो रहा है, तो कंट्रोल करने का जिम्मेवारी भी आपको ही है, तो उसे आप सीधा भी कर सकते। अभी फ़िलहाल मेरे पेंटिंग जो
35 डिग्री पे था और इस समय काफ़ी ज़्यादा नीचे स्प्रेड कर रहा था, तो मैं नीचे से थोड़ा सा उठाया, तकरीबन 25 डिग्री पे होगा अभी। तो कभी भी मतलब पेंटिंग्स को उस एंगल के ऊपर सेट ना करें, जो भी आपके पास इजेल होते हैं, जो भी आपके पास टेबल टॉप होते हैं, उसके ऊपर आप एक बोर्ड के ऊपर पेपर लगाइए, फिर उस बोर्ड को उस टेबल के ऊपर रखिए या जो भी आपके टेबल टॉप के ऊपर रखिए, ताकि अब जब भी जरूरत पड़े आपको उठाइए उसको। उठाने के बाद जिस एंगल पे आपको स्प्रेड कराना है, वाटर कलर हमेशा स्प्रेड करके चलता है, मतलब वाटर कलर को खुद को चलाना है, मतलब उसको चलने देना है। उस हिसाब से हम इधर उधर घुमाते हैं तो उसे थोड़ा फ्री रखेंगे। और जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं कभी भी आता हूँ तो थोड़ा सा आपको शेयर करने के लिए। और कुछ सवाल है किसी का? ये पेपर जो है 185 GSM रफ, ओके। यहाँ पे जो स्मोक के लिए थोड़ा सा व्हाइट कलर गीले गीले पे ऐड कर रहा हूँ। और ये पेंटिंग आप अगर डायरेक्ट देखते आपको समझ में नहीं आता, और आप रेफरेंस में भी देख सकते हैं, सेम कलर का जो क्लाउड है आपको दिखेगा, तो बुलबुला सा महसूस होने के लिए यहाँ पे मैंने इस गीले गीले के ऊपर थोड़ा सा वाइट कलर को ऐड किया। और रेफरेंस को देखते हुए ये वाला पार्ट में और थोड़ा स्केल अप कर रहा हूँ, क्योंकि दिखाई दे रहा मुझे कि वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्कनेस ज़्यादा है। तो ये मेरा पहला वीडियो कंप्लीट हुआ और ये सेकंड। कहीं कहीं थोड़ा सा डार्क जो मुझे दिख रहा है उसे मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो तीन पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए कि ये जो हिल एरिया जो टॉप है, ये चमकने का कारण क्या है। अगर रेफरेंस को हम सवाल करें, अगर रेफरेंस को या मेरे इस कंप्लीट पेंटिंग को अगर हम सवाल करें क्यों इतना तू चमक रहा है, तो उसके सवाल एक ही आएंगे कि उसके बैकग्राउंड के कलर। आप थोड़ा सा सोचो, अगर आसमान भी पूरा व्हाइट होता, क्या आपके ये हिल एरिया उतना चमकता? क्या ये आपको उतना सुंदर लगता अगर ये छाया अगर नहीं चलता? तो कुछ चीज़ें इस तरह से होते हैं जिसके कारण हमारा पेंटिंग थोड़ा सा अच्छा दिखता है या रेफरेंस अच्छा दिखता है। तो बैकग्राउंड हो गया, यहाँ पे हो गया मेरा पेंटिंग कंप्लीट। और ये देखिए, ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो है कितना डार्क है, शेडो पार्ट कितना डार्क है, तो ये सारी चीज को जोर मतलब जब ऊपर नीचे से कवर करता है तभी वो हमारा जो हाईलाइट एरिया वो दिखता है, ठीक है। हेलो आशीष जी, थैंक यू फ्रॉम उत्तराखंड, गुड आशीष जी, ओके नमस्कार। ओके थैंक यू। तो अच्छा ओके, किसी को अगर रेफरेंस चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे नंबर मेरा शो हो रहा है, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, और मुझे आप दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, और इसका कंपोजिशन शायद आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, वो वीडियो में लास्ट टाइम एंड हो गया था। और चलिए थैंक यू, वैसे मैं फेसबुक के और इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करता हूँ इसके कंपोजिशन। और थैंक यू, आप बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जननी मैम, ओके बाय, टाटा, फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करके जाइएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक, ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय।